Okay, so make sure your cameras are on and you all are on mute mode. Okay, so today we will start this chapter, chapter number 8, and the chapter name is JavaScript Array and Function. So first of all, what is array? As given in your book, array is a special type of data type. So here, question arises, what is the meaning of data type? Data type means which kind or what kind of value we are going to store. Means आप उसमें किस टाइप का वैल्यू स्टोर करना चाहते हो, तो टाइप ऑफ वैल्यू इज योर डेटा टाइप. ओके, तो एरे हमारा क्या है, स्पेशल टाइप का डेटा टाइप है. इट मींस इसमें आप डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को स्टोर कर सकते हो. लाइक वी आर राइटिंग वेरिएबल ए इज इक्वल टू 10. अभी तक हम क्या कर रहे थे, एक वेरिएबल लेते थे, वेरिएबल का नाम लेते थे और उसमें वैल्यू स्टोर करते थे. दिस इज योर इंटीजर डेटा टाइप. इफ आई एम राइटिंग वेरिएबल बी इज इक्वल टू 20.5, इट मींस दिस इज योर फ्लोट डेटा टाइप. एंड इफ आई एम राइटिंग वेरिएबल सी इज इक्वल टू डबल कोट 20, मींस अगर हमने डबल कोट सिंगल कोट में कुछ भी लिखा है, दैट इज योर स्ट्रिंग डेटा टाइप. ओके, तो अभी तो हम क्या कर रहे थे, हर वैल्यू को स्टोर करने के लिए एक डिफरेंट डिफरेंट वेरिएबल्स असाइन करते थे और उसमें वैल्यू स्टोर करते थे. ओके, वन सेकेंड दिग्विजय बेटा, लेट मी एक्सप्लेन, देन आई विल टेक योर डाउट्स आफ्टर 30 मिनट्स. ओके, सो इन ऑल क्लासेस यू विल गेट लास्ट 10 मिनट्स फॉर क्लियरिंग योर डाउट. ओके ओके, सो दिस इज सिंपल वेरिएबल्स वी आर यूजिंग टिल नाउ. बट एरे क्या करता है, आपको एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है. आप एरे में इंटीजर भी स्टोर कर सकते हो, फ्लोट भी स्टोर कर सकते हो और स्ट्रिंग भी स्टोर कर सकते हो. मीन्स एक सिंगल वेरिएबल में आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल वैल्यू को स्टोर कर रहे हो और वो सारी वैल्यू क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की है. क्लियर? नाउ रेज योर हैंड हु वांट्स टू रीड दिस चैप्टर. एनीवन हु वांट्स टू रीड, जस्ट गिव मी योर नेम. प्रत्युष. ओके प्रत्युष, जस्ट स्टार्ट रीडिंग. Boys, I can see many boys are here without their original name. So make sure you all are here with your registered name only. If I will found anyone without any unknown name, I will expel you right now. So make sure you all have joined with your registered name also. Is it clear? That's what I'm telling. So make sure you all are joining with your original name. So I'm going to expel the one who is with unknown name. He has left now. Okay, so now continue. Who wants to read? Pratyush. Yes, Pratyush. Unmute yourself and start reading, beta. Okay, Nikhil, after him you can read. Start reading, Pratyush, fast. Just accept the request of unmute. Pratyush, please accept the request. Anyone else who wants to read? Shalok wants to read? Okay, Shalok, you continue. Yes, Shalok. Unmute yourself fast and start reading. Don't waste time. Ma'am, I don't want to read. Okay. Anyone else who wants to read? I want to read. Ishan. Okay. Yes, Ishan. Fast. Start fast. Start reading, Ishan. Wait, Aman. Okay, so I will do reading if you don't want to read. It's okay. So, JavaScript array. An array is a special data type which is a collection of different values
ईच एलिमेंट ऑफ एरे कैन बी रेफरेंस्ड यूजिंग इंडेक्स. द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ एरे हैज़ एन इंडेक्स 0, द नेक्स्ट एलिमेंट हैज़ इंडेक्स 1 एंड सो ऑन. अ स्पेसिफिक एलिमेंट इन एन एरे इज एक्सेस्ड बाय एन इंडेक्स. सिंपल. सी व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, एरे इज अ स्पेशल टाइप ऑफ डेटा टाइप. सपोज आई हैव टेकन वेरिएबल. वेरिएबल एक कीवर्ड है जो आपको यूज करना होता है फॉर डिफाइनिंग एनी एरे और वेरिएबल. देन वी हैव टू टेक एरे नेम दैट वी हैव टेकन फ्रूट. तो ये आपको क्या फैसिलिटी करेगा प्रोवाइड, आप इसमें एक टाइम पे एक से ज्यादा वैल्यू स्टोर कर सकते हो और डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर कर सकते हो. वेरिएबल के केस में क्या होता था कि यू हैव टू स्टोर अ सिंगल वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल. हम क्या कर रहे हैं, सिंगल वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं सिंगल वेरिएबल में. बट एरे के केस में डिफरेंट है. एरे में आप क्या करते हो, एक ही वेरिएबल लेते हो और उसमें एक टाइम पे आप क्या करते हो, मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करते हो लाइक दिस. वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की भी हो सकती है और एक से ज्यादा वैल्यूज भी हो सकती है. दिस एरे वी हैव क्रिएटेड. ठीक है, तो हमने एक एरे बनाया. एरे का नाम हमने क्या लिया, फ्रूट, और उसमें हमने सपोज तीन एलिमेंट लिए. तो ये आपका किसका एग्जांपल है, एरे का. नाउ दिस एप्पल इज योर फर्स्ट एलिमेंट, ओके, एंड दिस पपाया इज योर लास्ट एलिमेंट. देन उसमें क्या लिखा है कि अगर आप एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना चाहते हो, फॉर दैट यू हैव टू यूज इंडेक्स वैल्यू. किसका यूज करना है हमें, इंडेक्स वैल्यू का. क्लियर, इंडेक्स वैल्यू क्या होती है, जब भी आप कोई एरे बनाते हो, वेरिएबल बनाते हो, इट मीन्स यू आर स्टोरिंग सम वैल्यू इन मेमोरी. आप मेमोरी में कुछ डेटा स्टोर कर रहे हो. तो ये फर्स्ट एलिमेंट हमारा किस पे होगा, हमेशा जीरो पे. ठीक है, तो अगर आपको यूज करना है एप्पल को, इस एलिमेंट में से अगर आप यूज करना चाहते हैं एप्पल को, तो आपको क्या वैल्यू यूज करनी है, इंडेक्स वैल्यू जीरो. फर्स्ट एलिमेंट हमेशा किस पे होगा, जीरो पे. ये हमारा किस पे है, वन पे, और ये हमारा किस पे है, टू पे. अगर मैं आपको बोलती हूँ कि एरे में हमारे तीन एलिमेंट है, तीन एलिमेंट मीन्स जीरो से लेकर टू तक, जीरो वन टू. इफ आई एम सेइंग फाइव एलिमेंट, फाइव मीन्स जीरो अप टू फोर. सो इन दिस वे वी आर गोइंग टू स्टोर वैल्यू इन एरे. जैसे कि आप बुक में भी दे सकते हो, एग्जाम्पल लिया हुआ है, दिस इज अ एप्पल, बनाना, कुकुम्बर, डेट्स एंड एग प्लांट. सो एप्पल हमारा क्या है, फर्स्ट एलिमेंट है, और एग प्लांट हमारा क्या है, लास्ट एलिमेंट है. नेक्स्ट नेक्स्ट आता है डिक्लरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ एरे. ओके, डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन, इट मीन्स आप एरे को डिक्लेयर करोगे और फिर उसमें कुछ वैल्यू असाइन करोगे. जैसे कि बुक में गिवन है, एवरी एरे हैज टू बी डिक्लेयर बिफोर इट यूज. एरे ऑब्जेक्ट्स कैन बी डिक्लेयर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग मैनर्स. मीन्स अगर आप कोई वेरिएबल यूज कर रहे हो, कोई फंक्शन यूज कर रहे हो, कोई एरे यूज कर रहे हो, सो यू हैव टू टेल कंप्यूटर. आपको पहले कंप्यूटर को बताना होता है कि आप उसको यूज करने जा रहे हो, उसका नाम क्या होगा. तो उसका जो नाम है, जब आप उसको नाम को डिफाइन करते हो, दैट इज नोन एज डिक्लेरेशन. और फिर जब आप उसकी वैल्यू असाइन करते हो, दैट इज नोन एज इनिशियलाइजेशन. सपोज वी आर राइटिंग वेरिएबल फ्रूट इज इक्वल टू न्यू एरे. ठीक है, इन ब्रैकेट वी हैव रिटन फाइव. इसका क्या मतलब है, वेरिएबल इज, ये हमारा क्या है, कीवर्ड है. फ्रूट हमारा क्या है, एरे का नेम है. एंड देन वी हैव न्यू एरे एंड इन ब्रैकेट वी हैव मेंशन फाइव. इट मीन्स वी आर गोइंग टू स्टोर फाइव एलिमेंट इन दिस एरे. मतलब हम इसमें मैक्सिमम कितने एलिमेंट स्टोर करेंगे, फाइव एलिमेंट. इज इट क्लियर. तो इस तरह से आप एरे को क्या करते हो, डिक्लेयर करते हो. ओके, अब नाउ सी, अब हमने क्या किया, मेंशन किया फाइव. तो ये हमारा क्या है, एरे का डिक्लेरेशन. अब अगर हमें इसमें वैल्यू डालनी है, हम कैसे डालेंगे, वेरिएबल कीवर्ड लगाएंगे, देन वी विल राइट वेरिएबल नेम, मीन्स एरे का नेम, और फिर हम इसमें क्या डालेंगे, वैल्यू.
अब हमने कितने एलिमेंट असाइन किए हैं, फाइव, मीन्स हम इसमें कितने एलिमेंट्स लेंगे, ओनली फाइव एलिमेंट। सी सपोज वी आर राइटिंग हियर एप्पल, बनाना, देन वी हैव रिटन कीवी, देन वी आर राइटिंग हियर वाटरमेलन, एंड लास्ट वी आर टेकिंग वन मोर पपाया। ओके सपोज दीज फ्रूट नेम वी हैव टेकन। अब हमने मेंशन कितने किए थे, फाइव, तो हम कितने एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं, फाइव। अगर आप इसके पास सिक्स एलिमेंट स्टोर करोगे तो आपको क्या आएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस एप्पल को यूज करना है, मीन्स इसको एक्सेस करना है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई विल राइट दिस ऑन नेक्स्ट पेज। इसको हम एक्सेस कैसे करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे, एरे का नेम दैट इज योर फ्रूट, एंड हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, जीरो। तो ये जीरो जो है वो क्या है, हमारा इंडेक्स वैल्यू। अब हम अगर आप इस एरे को देखो, ये आपका एरे है, तो जीरो पे हमारा क्या स्टोर है, एप्पल। आउटपुट में आपके पास क्या आएगा, ओनली एप्पल। क्लियर। अगर हम इसी एग्जाम्पल को चेंज करें, सपोज इफ आई एम राइटिंग हेयर वन, इन प्लेस ऑफ जीरो आई हैव रिटन वन, तो आउटपुट क्या आएगा, यस बच्चे यू कैन राइट ऑल दिस थिंग्स इन योर फेयर नोटबुक फॉर रिविजन पर्पज। ओके सो वट एवर आई एम राइटिंग यू कैन राइट ऑन योर फेयर नोटबुक एज अ नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 8। सी आई हैव रिटन वन, इट मीन्स जीरो और वन, तो आउटपुट में हमारे पास क्या आएगा, बनाना। इज इट क्लियर एवरीवन कि कैसे आप डिक्लेयर करते हो और कैसे आप इनिशियलाइज करते हो, एनी डाउट एनीवन? ओके सो नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस थिंग वाया योर बुक्स ऑल्सो, जस्ट गिव मी 1 मिनट। एज यू कैन सी इन योर बुक दिस इज द एरे लेंथ। एरे लेंथ हम क्या करते हैं, एरे लेंथ आपको क्या बताएगी कि कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। जैसे कि आपने लिखा 7, इट मीन्स इस एरे में, एरे का नेम हमारे पास यहाँ पे क्या है, डेज। इस एरे में आप क्या कर सकते हो, 7 एलिमेंट्स को स्टोर कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट अब देखो, अगर हमने यहाँ से लिखा डेज ब्रैकेट में 0, मीन्स ये क्या है, इंडेक्स वैल्यू, तब ये हमारा क्या है, एरे का नेम। पेज नंबर बेटा, दिस इज योर बुक पार्ट चैप्टर नंबर 8, सेकेंड टॉपिक है ये, महावीर। अपनी बुक खोलो चैप्टर नंबर 8। ठीक है, तो हमने इसमें लिखा डेज 0, मीन्स हमें फर्स्ट एलिमेंट को एक्सेस करना है, वो क्या है, मंडे। ठीक है, अगर हम लिखेंगे डेज 1, इट मीन्स हमें किसको यूज करना है, सेकेंड एलिमेंट। अब देखो इस एग्जाम्पल को, देखो क्या कर रहे हैं हम इस एग्जाम्पल में, HTML, बॉडी, H3, स्क्रिप्ट, देन वी हैव टेकन वेरिएबल कीवर्ड VAR एंड डेज इज योर एरे नेम। क्लियर। अब हमने क्या किया, इसमें एलिमेंट्स लिए, तो यहाँ पे हमने 7 एलिमेंट्स लिए, देन वी हैव रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट राइट डेज, तो इसका आउटपुट क्या होगा जब हम इसको रन करेंगे, क्योंकि हमारे डेज में क्या है, ये सारे एलिमेंट है, तो जब आप डेज को एज इट इज प्रिंट करोगे तो आउटपुट में आपके पास ये सारे वेरिएबल विजिबल होंगे। जैसे कि देख सी, ये आपकी हेडिंग है, डिस्प्ले एरे एलिमेंट एज इट इज आया, फिर आपने इसमें 7 एलिमेंट्स लिए। ओके तो 7 के 7 एलिमेंट्स आपके यहाँ पे प्रिंट हो गए। अब मैंने आपको बोला कि सपोज मुझे सिर्फ फर्स्ट एलिमेंट चाहिए, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए हम क्या करेंगे, 0 लिखेंगे। हमने यहाँ पे लिखा 0, तो आउटपुट में देखो सिर्फ क्या आया, मंडे। इफ आई एम राइटिंग हियर 6, देन आउटपुट विल बी संडे। समझ आया? अगर आप इंडेक्स मेंशन करोगे सिर्फ इंडेक्स वैल्यू आएगा, अगर आप इंडेक्स वैल्यू नहीं मेंशन करोगे, डायरेक्ट आप वेरिएबल का नेम दोगे, एरे का नेम दोगे, तो आपके पास पूरा का पूरा एरे प्रिंट हो जाएगा लाइक दिस। क्लियर एवरीवन? सी इफ आई एम राइटिंग हियर 3, नाउ टेल मी द आउटपुट इन चैट बुक्स, इसका क्या आउटपुट होगा, इफ आई हैव रिटन वेरिएबल नेम इन ब्रैकेट आई हैव रिटन 3, सो व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम, जस्ट सेंड योर आंसर्स इन चैट बुक्स फास्ट।
आर्यन, आई आस्क यू टू राइट आंसर्स, नो नीड टू मेक दिस इमोजीज. वेरी गुड वंश. सो हेयर आंसर विल बी थर्सडे, नॉट वेनेसडे. वेनेसडे इज योर सेकेंड एलिमेंट, क्योंकि हमारा कैसे स्टार्ट होगा, दिस इज योर जीरो, मंडे इज योर जीरो, ट्यूजडे इज योर वन, वेनेसडे इज योर टू, एंड थर्सडे इज योर थ्री. सो इफ यू आर राइटिंग थ्री, वी विल गेट हेयर थर्सडे. वेरी गुड, वेरी गुड रोहित, वेरी गुड राजवीर, वेरी गुड अक्षर. नाउ सी, इफ आई एम राइटिंग हेयर वन, नाउ टेल मी द आउटपुट. ओके हर्षवर्धन, गिव मी 1 मिनट, आई विल क्लियर योर डाउट ऑल्सो. नाउ टेल मी द आउटपुट ऑफ दिस प्रोग्राम. ईशान, आई हैव चेंज द क्वेश्चन, जस्ट चेक अगेन. इफ आई एम राइटिंग डेज ब्रैकेट वन, देन आउटपुट विल बी, वेरी गुड, सो आउटपुट विल बी ट्यूजडे. सी दिस इज ट्यूजडे, इज इट क्लियर एवरी वन? Students who are sending messages for notes and everything, give me 10 minutes after explanation. I will give you time to do to speak about your doubts. Okay, so first just listen and concentrate on the class, and in last 10 minutes you can clear your doubts regarding any notes or anything. Okay, now see, ये तो सिंपल था कि हमें एलिमेंट प्रिंट करने. इफ यू वांट टू फाइंड आउट द लेंथ, मींस अगर आपको एरे का लेंथ फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एरे नेम डॉट लेंथ. हमने यहाँ पे लिखा एरे नेम डॉट लेंथ, एंड इफ यू विल रन दिस, यू विल गेट द नंबर ऑफ एलिमेंट. ओके, सो दिस प्रोग्राम यू कैन राइट इन योर नोट्स. सिंपल, आपको एरे कैसे बनाना है, दैट इज गिवन इन योर बुक, दैट यू ऑल्सो यू हैव टू राइट इन नोट्स. एंड नेक्स्ट यू कैन राइट इन योर बुक, गिव मी 1 मिनट, आई विल शेयर सम स्क्रीन. सो दिस प्रोग्राम यू हैव टू राइट. ओके, एंड हेयर यू हैव टू मेक हेडिंग प्रोग्राम टू फाइंड आउट द लेंथ ऑफ एरे. उसके लिए आप ये लाइन लिखोगे, फ्रॉम दिस लाइन यू विल गेट द लेंथ ऑफ एरे. ओके, सपोज हम यहाँ पे कुछ एरे की लिस्ट हम कम कर देते हैं. सपोज वी हैव रिटन दिस वन, नाउ इफ यू विल रन, विल गेट द लेंथ एरे इज 6. क्लियर? इस तरह से अगर आपको फाइंड आउट करना है कि आपके कितने एलिमेंट रिटर्न है, आप एरे डॉट लेंथ लगा के उसकी लेंथ भी फाइंड आउट कर सकते हैं. इज इट क्लियर एवरी वन? एनी डाउट एनी वन ऑन दिस पेजेस? सो वी हैव डिस्कस ओनली 2 पेजेस टूडे. पेज नंबर 1, दैट वॉज ऑल अबाउट एरे डेफिनेशन. And next we have discussed how we can declare and initialize an array. Okay.